एमपी में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में मिली सफलता के बाद भाजपा के सभी सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष, प्रभारी और प्रदेश पदाधिकारियों की बुधवार को भोपाल में बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश मौजूद रहे। इस बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों के साथ परिणामों को लेकर भी चर्चा हुई, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत कैबिनेट मंत्री और विधायक भी शामिल हुए। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भाजपा में लगी शिव प्रकाश की क्लास। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री है शिव प्रकाश। सीएम शिवराज समेत बीडी शर्मा रहे मौजूद। बीजेपी के सांसद, विधायकों ने की शिरकत। संगठनात्मक गतिविधियों पर हुई चर्चा। साल 2023 में होने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अब अपने संगठन को और मजबूत करने पर जोर दे रही है। इसके साथ ही वोट शेयर बढ़ाए जाने पर भी फोकस किया जा रहा है। बुधवार को प्रदेश बीजेपी ऑफिस में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई। पार्टी सूत्रों के अनुसार बैठक में अब अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को दृष्टि में रखते हुए संगठन की गतिविधियों को विस्तार देने की कार्य योजना पर काम होना है। पार्टी के वोट शेयर में 10% वृद्धि के लिए मतदान केंद्र स्तर पर संपर्क अभियान, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों से संवाद आदि कार्यक्रमों का संचालन किया जाना है। आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के सभी प्रदेश महामंत्रियों की जो हमारी महामंत्री बैठक होती है, वो महामंत्री बैठक आज संपन्न हुई है। उसके बाद हमारे सभी संभाग के प्रभारी और प्रदेश के पदाधिकारी, क्योंकि विगत 3 माह से हम चुनाव की व्यस्तता के कारण लगातार हम सब लोग उस काम में लगे थे, इसलिए प्रदेश के सभी पदाधिकारियों की बैठक भी अभी संपन्न हुई है। और इसके बाद अभी जिले के अध्यक्ष, जिले के प्रभारी, सभी सम्मानीय सांसद और सभी सम्मानीय विधायक और प्रदेश के पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक अभी 3 बजे से प्रारंभ होगी। मुख्य तौर पर इन बैठकों में जो हमारे संगठनात्मक काम की दृष्टि से, आप सब लोग जानते हैं कि चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी का, हम 365 दिन 24 घंटे सक्रिय रहते हैं और चुनाव भी उसका एक हिस्सा होता है, तो मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने ऐतिहासिक बहुमत के साथ ग्रामीण निकाय और नगर निकाय के दोनों चुनावों में जो इतिहास बनाया, आपको ध्यान में है मैंने बड़े गंभीरता के साथ कहा था कि जब कांग्रेस के लोगों ने कई आंकड़े जारी कर दिए थे जिला पंचायत के चुनावों में, तब मैंने उस समय जारी किया था कि 44 जिलों में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत मिलेगा, जिसमें से आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि 42 हम जीत करके आए और एक जिला पंचायत अध्यक्ष जो निर्दलीय जीते थे उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, तो 43 जिला पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, यानी ऐसे ग्रामीण नगर निकाय के चुनाव में, और जो वोट शेयर की बात भारतीय जनता पार्टी ने लगातार मध्य प्रदेश के अंदर की है बूथ विस्तारक अभियान के माध्यम से, आज उसकी समीक्षा भी हमने की है। नगर निकाय में पार्षदों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 53% वोट मिला है। नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी को 49.73। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, संगठन महामंत्री हितानंद सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। बीजेपी के इस परफॉर्मेंस ऑडिट को लेकर सभी ने एक सुर में कहा कि सरकार और संगठन बढ़िया काम कर रहे हैं, जिसका परिणाम देखने को मिल रहा है। आप देखिए कि हम मैक्सिमम जगह पर बहुमत में आए, एकाध कोई पद हारे हों तो ये चुनाव है, कोई व्यक्ति विशेष के कारण से हारेंगे वो समीक्षा करेंगे। ग्वालियर में हम ग्वालियर नगर निगम में बहुमत में हैं, पूरे अंचल में लगभग जितनी नगर पालिकाएँ बनी हैं वो हमारी बनी हैं, उनमें हम बहुमत में। मुझे लगता है कि टोटल मिला के, मैं लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी रहा हूँ, अभी जो टोटल मिला के रिजल्ट देखेंगे तो बहुत बेहतर रिजल्ट आए हैं, चाहे वो नगर पंचायत के हों, चाहे वो जिला पंचायतों के हों या जनपदों के हों, तो रिजल्ट तो बहुत अच्छे आए हैं। मेयर का एक विषय है कि मेयर पहले हमारे पास 16 के 16 थे, तो मेयर में कुछ हमको नुकसान हुआ है, उस विषय में संगठन मुझे लगता है आत्मसमीक्षा जरूर करते ही होगा और हम लोग चिंतन मंथन करके संगठन की सहज प्रक्रिया है आगे के रास्ते में टोटल देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत के आई है। कांग्रेस मैदान में कहीं दूर दूर तक दिखी नहीं है,
जैसे मैं भिंड जिले की बात करता हूँ, नेता प्रतिपक्ष जी है वहाँ पर, हम लोग जिला पंचायत जीत के आए हैं, वहाँ पर भी निर्विरोध जीत के आए हैं। अन्य जगह भी विचार करेंगे तो सभी जगह भारतीय जनता पार्टी का संगठन के निरंतर प्रयास से और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता की यह विजय है। देखिए आज पार्टी की बैठक है आज, और पार्टी की बैठक में सभी माननीय सांसदगण, विधायकगण, सभी संगठन के पदाधिकारी, सभी को बुलाया गया है, और जो पार्टी के कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों के बारे में सबको जानकारी दी जाएगी। तो वो सब कार्यक्रम सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी से करें, इसलिए ये बैठक आज पार्टी की यहाँ पर हो रही है। बैठक में कार्यक्रमों की, पूर्व के कार्यक्रमों की समीक्षा भी होगी और आगे के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी जाएगी। एक दिवसीय मंथन के बाद बीजेपी जमीनी स्तर पर अब अपने आप को और ज्यादा मजबूत करने में जुट चुकी है। नगरीय निकाय चुनाव के आए परिणामों से कुछ हद तक बीजेपी की जमीन खिसकी भी है। ऐसे में वोट शेयर बढ़ाने और बूथ मजबूत करने को लेकर बीजेपी ने पूरा जोर देना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।